यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, नमस्कार सर। मुझे एक चौक खाने का मन करता है सर, मुझे बत्ती खाने का मन करता है सर, मुझे मिट्टी खाने का मन करता है। कभी कभार मैं पेंसिल को मुंह में दबा लेती हूँ या दबा लेता हूँ, या कई बार मुझे लगता है कि सर ऐसी चीज़ें खाइए जैसे पेपर चबाते रहते हैं कई लोग होते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं, बच्चे खाते रहते हैं स्पेशली मिट्टी। कई ऐसी महिलाएँ होती हैं, माताएँ होती हैं जो चौक खाने के साथ में उनको एक प्रकार की मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, उसे खाते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं माताएं होती हैं जिनको ये समस्या होती है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये क्यों हो रहा है, यानी चाक खाने का मन इनको क्यों कर रहा है, या फिर उनको अनडाइजेस्टिबल चीज़ जो है क्यों खाने का मन कर रहा है। देखिए, अनडाइजेस्टिबल जो चीज़ होते हैं उसे फूड तो हम नहीं कहते, नॉन फूड होता है वो, और वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल भी नहीं है क्योंकि वो नो न्यूट्रिशनल पावर होता है, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं और हम उसे फिर भी खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं क्योंकि हमारा मन करता है। इसे हम बोलते हैं पाइका, एक बीमारी होती है पाइका, PICA पाइका जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है, मेन ओरिजिन होता है, मेन कॉज होता है पाइका का, वो कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है। इसमें पेशेंट को बहुत लंबे समय से चाक खाने का मन करता है या फिर उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू उनके अंदर नहीं है, तब भी वो खाती रहती हैं। लेकिन इसका एक इंडिकेशन हमें ज़रूर मिलता है, ये बेसिकली देखा गया है कि ये कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी से देखने को मिला है। जब भी मरीज के अंदर कैल्शियम की कमी होगी या उसके अंदर आयरन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, उसके कारण आपको देखने को मिल सकता है। कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि जिनको ये दोनों चीज़ों की कमी होती है, कैल्शियम और आयरन की, वो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं कहीं चौक खाएंगे या कहीं मिट्टी खाएंगे या कुछ ना कुछ वो अनडाइजेस्टिबल जो फूड चीज़ होती है उसको वो खाते रहेंगे, क्योंकि फूड तो है ही नहीं है, वो अनडाइजेस्टिबल कोई भी ऐसी थिंग होगी जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो चबाते रहेंगे, या तो उनको चबाने का मन करेगा या उनका खाने का मन करेगा। तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे महिलाएं होती हैं जो राख खाती हैं, मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो राख खाती हैं। राख जो होती है, जैसे रोटी उन्होंने बनाया और उसके बाद में जो राख बचती है उसको वो कई पेशेंट खाते रहते हैं, कई पेशेंट मिट्टी खाते रहते हैं, कई पेशेंट पेपर चबाते रहते हैं, पेंसिल, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लिख रहे हैं और पेंसिल को घंटों तक अपने मुंह में दबाए रखते हैं, ठीक है। तो वो एक पाइका एक प्रकार की डिसीज होती है। इसमें आपको करना क्या होता है, क्या सिम्टम्स होंगे, थकान, कमजोरी, बेचैनी, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्टमक पेन है या उल्टी जैसी इच्छा होना या उल्टी हो जाना, और कई बार पेशेंट को स्टमक पेन क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकता है। पेशेंट की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है, क्योंकि उसको जो चीज़ें हैं खाने को मिल ही नहीं रही हैं, या तो पेशेंट को कैल्शियम की कमी हो रही है या आयरन की कमी हो रही है, तो उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हेल्दी जो होना चाहिए उम्र के हिसाब से वो नहीं होती है। अब इसमें दूसरा कारण और होता है, या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है। अब ये भी क्यों होता है, ये होता है कि पेशेंट को प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम या आयरन मिल ही नहीं रहा है। तो ये होता है कि न्यूट्रिशन जो आपको जो मिलने का जो प्रॉपर वे होता है, यानी कि दूध है, ठीक है, या हरी सब्जियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही प्रॉपर तरीके से, तो आपको इस अंदर ये समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जिनके पास दूध अवेलेबल नहीं होता है, वो दूध भी नहीं खा पाते हैं, या पैसे की कमी समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि वो खाते ही नहीं हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको पाइका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, या फिर आप इसमें कैल्शियम ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे सेलकाल है या फिर शिपकाल के नाम से आते हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन आते हैं जो बेसिकली आप एक टैबलेट दिन में एक बार लेते हैं, और ये कई बार एक महीने तक या 15 दिन 20 दिन तक चलती है। तो आप इनके बारे में बिना समझे सोचे समझे डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन नहीं लें। आप अगर ले सकते हैं तो इसमें होम्योपैथी में आप ले सकते हैं कैल्केरिया, कार्ब, ये कैल्शियम मेडिसिन है,
तो कैल के लिए कार्फ भी आप ले सकते हैं, कैल्शियम के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं होम्योपैथी में, बायो कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो आप ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।